हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हरियाणा बोर्ड साइड पेपर्स प्रैक्टिस पेपर सेकंड क्लास टेंथ कोड बी एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर एसी एंड एबी आर टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ। इफ एंगल सी ओ डी ये जो एंगल दिया है वो आपका 120, देन एंगल बी ए ओ यानी कि ये एंगल आप फाइंड करना चाहते हैं, ये गिवन फिगर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि आपके पास में एक ये चीज़ है, ये देखिए डायमीटर है, यहाँ से एंगल 1 + 120 क्योंकि हमने इसको 1 एंगल लिया, तो एंगल 1 + 120 वो आ जाएगा 180 क्योंकि लीनियर पेयर से। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस में 120 यानी कि ये हो जाएगा आपका 60। अब ये एंगल 60 है, ये एंगल आपका 90 है क्योंकि रेडियस जो होती है वो 90। तो अब एंगल ये निकालना चाहेंगे आप, इसको एंगल 2 बोल देते हैं आप। तो यहाँ से आप लिखेंगे एंगल 1 + 90 और प्लस एंगल 2, इन सब का सम भी 180 हो जाएगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे एक ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम है क्योंकि ये 90, एंगल 1 हम निकाल चुके हैं, एंगल 1 क्या है वो आपने 60 निकाल दिया है, प्लस 90 और प्लस एंगल 2 180। अब यहाँ से देखिए 90 150 हो जाएगा, तो 150 को लेस करेंगे तो एंगल जो 2 आ जाएगा वो 180 माइनस 150 यानी कि वो एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो एंगल जो 2 है वो 30 है, 2 और एंगल ये दोनों सेम होते हैं, तो देयरफॉर जो एंगल आपका बी ए ओ है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, और 2 आया है 30 तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका 30। तो जो एंगल बी ए ओ आ जाएगा एंगल 2 के इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्टर होती है लाइन, तो ये एंगल 2 के इक्वल है, तो ये आया आपका 30 डिग्री, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 9। ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल के ऊपर जो पैरेलल टेंजेंट है वो कितने ड्रा कर सकते हैं, 2, क्योंकि कोई भी सर्कल दिया जाएगा आपके पास उसमें क्या होता है कि ऐसे जो भी पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे वो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, एट मोस्ट ज़्यादा ज़्यादा 2 ही ड्रा पैरेलल लाइन्स हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की हर एक वैल्यू के लिए साइन और कोस दोनों सेम देते हैं, ये सभी वैल्यू के लिए सेम नहीं देते हैं, ये है फॉल्स, क्योंकि केवल ओनली थीटा इक्वल टू 45, केवल ओनली वन वैल्यू ऐसी है जो 45 डिग्री होती है जिसके ऊपर आपका साइन और कोस दोनों सेम आंसर देंगे, बाकी जो वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर एंगल्स के ऊपर आपका आंसर अलग अलग आएगा, इसलिए सभी वैल्यू पे सेम आंसर आए ऐसा नहीं होता, इसलिए क्या ये फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 में क्या है, 9 secant square theta - 9 10 square theta इज इक्वल टू। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा आपके पास secant square theta माइनस में 10 square theta, और ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री में, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 multiply डायरेक्ट आइडेंटिटी है, क्या होती है इसकी वैल्यू 1, आंसर आया 9, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 12। secant थीटा व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द cot थीटा इज इक्वल टू। भी secant को हमने cot की टर्म में लिखना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, इसको हमने ए के ऊपर थीटा लिया, थीटा के सामने पी होता है, 90 के सामने एच हाइपोटेन्यूज होता है, और जो अदर साइड्स जो थीटा के साथ लगते हैं उसको बेस बोलेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर। अब हमने सभी को कोट की टर्म में लिखना है क्योंकि सिकेंड को हम कोट में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोट थीटा आप मुझे बताएंगे कोट क्या होता है, बेस बी बाय में पी, अब बी बाय पी है तो इसको के से मल्टीप्लाई किया मैंने और के से डिवाइड, तो यहाँ से हमें बी की जो वैल्यू है वो के कोट थीटा आ जाएगी, तो ये आ जाएगा के कोट थीटा, और जो पी है वो हो जाएगा आपका के, तो इन ट्राइंगल्स
इन ट्राइंगल्स ए बी सी में आपको पता है कि जो पाइथागोरस से क्या होता है, एच स्केयर इक्वल टू पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब पी क्या है हमारे पास, वो तो के स्केयर है, और जो बी है वो क्या है आपके पास, के कोट थीटा, और इसका जब आप स्क्वेयर करेंगे तो के स्केयर कोट स्केयर थीटा हो जाएगा। अब दोनों में से क्या कॉमन आता है, यहाँ से एच स्केयर जो हो जाएगा वो के स्केयर कॉमन आने के बाद वन प्लस कोट स्केयर लिख देंगे। अब एच निकालना चाहते हैं तो यहाँ से जाके रूट हो जाएगा आपके पास ऐसे, तो ये रूट होगा तो के स्केयर रहेगा और क्या होगा वन प्लस कोट स्केयर थीटा। देखिए आपने एच स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर, पी की वैल्यू हमारे पास के है तो के का स्केयर, बी की वैल्यू के स्केयर कोट स्केयर वो लिख दिया हमने, एच स्केयर इक्वल इन दोनों में से के स्केयर कॉमन लिया है वन प्लस कोट स्केयर। अब यहाँ से एच इधर जाके रूट करेंगे, रूट करेंगे तो इसके ऊपर रूट आया के स्केयर का, तो रूट हो जाएगा के, लेकिन रूट ऑफ यहाँ पे वन प्लस कोट स्केयर है, यूं का यूं रहेगा सेम टू सेम जैसा है वन प्लस के। तो यहाँ से हमने एच की वैल्यू फाइंड की है, कितनी है एच की वैल्यू, के इंटू रूट ऑफ वन प्लस कोट स्केयर थीटा। अब तीनों साइड आ चुकी हैं आपके पास, आपको चाहिए सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा आप बताएंगे मुझे क्या रिलेशन होता है साइड्स में, सीकेंड बताइए साथ के साथ, फार्मूला याद होगा आपको क्या होता है, एच वाई में बी। अब एच ट्राइंगल से देखना क्या है, वो है के रूट ऑफ वन प्लस कोट स्केयर थीटा डिवाइड बाय, मुझे बेस बताएंगे बेस क्या है आपके पास में, के कोट, क्या है के कोट थीटा, के से के कैंसल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा वन प्लस कोट स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कोट थीटा, ये रहेगा इसका आंसर। तो सीकेंड थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोट की टर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए पोल 6 मीटर हाइट, कोई भी पोल है बी सी मान लिया वो हमारे पास में 6 मीटर हाइट है, एंड कास्ट ए शैडो, इज जो शैडो है वो आपके पास में 2√3 मीटर है एंड लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन बाय चांस, सन यहाँ लेते हैं सन एस, तो ये एंगल एलिवेशन यहाँ से हम बताना चाहते हैं एंगल ए, तो ये एंगल ए को मान लिया हमने थीटा, तो यहाँ से इन ट्राइंगल ए बी सी में साइड ये क्या है, एंगल के सामने ये पी है जी, और ये है बेस, तो पी बाय में बी लेते हैं आप, पी बाय बी, और पी बाय बी होता है टेन थीटा के। अब पी क्या है मेरे पास 6, और बाय में 2√3, और ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा। अब 2 से कैंसिल करेंगे ये 3, तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास में 3√3, क्या आ जाएगा टेन थीटा हो जाएगा आपका 3√3, और 3 को लिख सकते हैं आप √3 मल्टीप्लाई में √3, बाय में क्या है √3, कैंसिल हुआ तो कितना आया √3। अब बताइए टेन थीटा √3 होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, ये आंसर रहेगा। थैंक यू।